आप पिछले लेक्चर्स के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस और पावर बी को इंस्टॉल करने के बारे में जान चुके होंगे इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पावर बी को जब आप यूज कर रहे होते हैं तो इसका वर्क फ्लो कैसा होता है यानी कि कौन सी चीज आपने पहले करनी है फिर उसके बाद क्या है फिर उसके बाद क्या है फिर उसके बाद क्या है एंड ये वर्क फ्लो आपको बताता है कि आपने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है इन साइड योर बिजनेस इन अदर वर्ड्स बिजनेस इंटेलिजेंस के सोल्यूशन कौन कौन से हैं भाई तो उसके लिए लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं वर्क वर्क फ्लो फ्लो ऑफ पावर पावर यानी कि को यूज करने का क्या होना चाहिए मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमार तो फिर मैं आपको पावर बी आई सिखा रहा हूं आप सीख रहे हैं ना पक्की बात है देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन पावर बी आई का वर्क फ्लो कुछ इस तरीके से चलता है आपने इसे इस इंस्टॉल कर लिया एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन आपके पास पावर बी आई का डेस्कटॉप वर्जन है या कोई भी आपके पास पेड वर्जन भी है अनपेड वर्जन भी है फ्री वर्जन भी है इट्स डज इट डजेंट मैटर जो वर्क फ्लो है वो कुछ इस तरीके से चलेगा सबसे पहले आपके पास डेटा होना जरूरी है यानी कि यू हैव टू कनेक्ट योर डेटा और डेटा कनेक्शन के लिए आपके पास डेटा होना ज़रूरी है डेटा कहाँ से आता है आपके बिजनेस के थ्रू आते हैं और वो बिजनेस का डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं इस पर हमारा पूरे का पूरा एक कोर्स अवेलेबल है छः माह का ए आई फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड uh, वहाँ पे आप जाके इस सारी की सारी चीज़ों को सीख सकते हैं बट ऑन दी अदर साइड अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी मौजूद है देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर बाइक कनेक्टिंग योर डेटा टू पावर बी आई उसके बाद आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को यानी कि डेटा के अंदर रैंगलिंग करते हैं डेटा का एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं आप डेटा को मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं आउटलायर्स को रिमूव करते हैं या आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉर्मलाइज करते हैं या अदर टर्म्स को यूज़ करते हैं अगेन अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा किस तरीके से काम करता है तो छः माह का कोर्स ऑलरेडी जो है मैंने आई बटन के अंदर टॉप पे दे दिया हुआ है आप वहां पे जाके सीख सकते हैं देन यू हैव टू मॉडल द डेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं डेटा की मॉडलिंग करते हैं मॉडलिंग क्या होती है ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ सिर्फ इतना बता देता हूँ कि कौन से पैरामीटर इम्पैक्ट करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर आप उन पैरामीटर्स की बेस पे कुछ फाइनल प्रॉफिट या रेवेन्यू को प्रिडिक्ट करते हैं सो मॉडलिंग द डेटा बेस्ड ऑन दैट देन यू क्रिएट विजुअलाइजेशन यूजअली लोगों का मानना ये होता है कि डेटा विजुअलाइजेशन जो है सबसे पहले काम आती है नहीं भाई आपके ये तीन स्टेप इंपॉर्टेंट है उसके बाद आप जाके डेटा विजुअलाइजेशन करनी स्टार्ट करते हैं पावर बी आई टूल को सिर्फ और सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ही नहीं लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता बट यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस सोल्यूशन यानी कि कनेक्ट योर डेटा ट्रांसफॉर्म योर डेटा मॉडल द डेटा एंड देन क्रिएट विजुलाइजेशन ऑब्वियसली बिजनेस इंटेलिजेंस सोलूशन के लिए जब भी आपको विजुलाइजेशन क्रिएट करते हैं देन यू हैव टू क्रिएट या जनरेट द रिपोर्ट्स और जब आप रिपोर्ट्स को बना रहे होते हैं तो वो रिपोर्ट्स आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि किस ऑडियंस के लिए क्या ये स्टेक होल्डर्स के लिए क्या ये आपके जो बॉसेस हैं उनके लिए या ऐसे लोग जो कंपनी को ऑन करते हैं या वो लोग जिन्होंने मेजर डिसीजन लेने हैं उनके लिए या आप एक जनरल ऑडियंस के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं सो यू शुड नो योर ऑडियंस बिफोर गोइंग इन टू द रिपोर्ट्स दैन यू पब्लिश योर रिपोर्ट्स इन पावर बी ए सर्विस अगर आपका इंटरनली इंटरप्राइज का कोई सर्वर है तो आप वहाँ पर इसको पब्लिश करते हैं ताकि आपकी इंटरनल कंपनी के जो लोग हैं उसे देख सकें अगर आप इसे कम्यूनिटी के लिए पब्लिश करना चाहते हैं देन यू कैन एक्चुअली पब्लिश रिपोर्ट्स इन पावर बी ए सर्विस विच इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो इनशाला एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आई विल टीच यू हाउ टू डू दैट दैन ऐट दी एंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिपोर्ट्स को यानी कि जब आप पब्लिश करते हैं ना सर्विस के अंदर तो यहाँ पे आपके कोलीग्स या मैंटोर्स आपको बताते हैं कि इसमें ये वाली चेंजेस जरूरी हैं देन यू गो टू स्टेप नंबर सेवन विच इज डिस्ट्रीब्यूट रिपोर्ट्स ये सात स्टेप आपके लिए पावर बी को यूज़ करने के लिए एक वर्क फ्लो के साथ बहुत जरूरी हैं ऑब्वियसली इन सात स्टेप के अलावा और भी बहुत ज़्यादा माइनर स्टेप्स हैं जो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन यहाँ पे इन सात स्टेप्स को आप जरूर मद्देनजर रखिएगा वी विल गो थ्रू वंस अगेन Connect your data, transform the data, the second one, model the data, the third one. The fourth one is creating visualization. The fifth one is creating your generating reports. The sixth one is publish reports in Power BI service. And the seventh one is distribute reports. This the workflow that we will utilize to bhi Power BI reports. And then we will also do some kind of business intelligence. Believe me, my Dr. Muhammad I'm teaching you Power BI. होपफुली आप सीख रहे होंगे सीख रहे हैं ना राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन के आपको इन सात स्टेप में से कौन सा स्टेप बहुत ही मज़ेदार लगता है और आप उस पर और भी काम करना चाहते हैं सी यू इन द नेक्स्ट वन अपना ख्याल रखिएगा